और चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। प्रयागराज स्टेशन पर सामूहिक नमाज पढ़ने का मामला एक बार फिर से देखा गया। बच्चों के साथ मौलाना ने नमाज पढ़ी है। आरपीएफ और रेल प्रशासन की मौजूदगी में नमाज पढ़ी गई। हालांकि ये जानकारी आपको दे दें कि जिस तरीके से देखिए नमाज पढ़ने का मामला जैसे ही सामने आया, शिकायत पर 21 बच्चों को ट्रेन से उतार भी लिया गया। मौलाना के पूछताछ के बाद से बच्चे बाल गृह भेजा गया, तो बच्चों को बाल गृह भेजा गया। और ये जानकारी आपको दे दे, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, देखिए चार अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आपको समझा रहे कि किस तरीके से प्रयागराज स्टेशन पर नमाज अदा की गई। वहीं दूसरी ओर लुलु मॉल में नमाज अदा करने की सबसे पहले तस्वीर सामने आई थी, जिसके बाद से विवाद गरमा गया था। तीसरी तस्वीर चारबाग स्टेशन पर नमाज अदा करने की है। और दिल्ली मेट्रो यानी जो द्वारका मेट्रो स्टेशन था दिल्ली का, वहां पर भी नमाज अदायगी का मामला सामने आया था। और हाल फिलहाल का मामला आपको प्रयागराज स्टेशन का बता रहे हैं। हालांकि जब पूछताछ की गई थी मौलाना से, तो उसने कहा कि हमारा समय हो गया था नमाज का, इसलिए नमाज अदा की। धर्म के नाम पर काला कारोबार, शिक्षा की आड़ में साजिश वाला बाल व्यापार, मॉल के बाद अब स्टेशन पर नमाज। प्रयागराज स्टेशन के वेटिंग रूम में इन तस्वीरों के बाहर आने के बाद एक बार फिर से सार्वजनिक जगहों पर नमाज पर चर्चा तेज हो गई है। लुलू मॉल के बाद अब प्रयागराज रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। प्रयागराज के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर वेटिंग रूम में कुछ लोगों ने नमाज अदा की। इस दौरान वहां आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने उन्हें रोका नहीं। दरअसल बचपन बचाओ आंदोलन संस्था की सूचना पर दिल्ली जा रही महानंदा एक्सप्रेस से 21 बच्चों को रेलवे पुलिस ने उतारा। पुलिस ने जब इन बच्चों को लेकर जा रहे शख्स से पूछताछ की, तो वो कोई जानकारी नहीं दे पाया। नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन ये तो पब्लिक प्लेस है, कह रहे हैं अब इन्होंने हमको यहाँ पर बंद जो है बैठा लिया है, बाहर भी नहीं निकलने दे रहे हैं, तो हमारे पास मजबूरी है, नमाज का टाइम हो गया है, अब कहीं तो मुझे नमाज पढ़नी पड़नी है। अब इस जगह हमको बैठा लिया गया है, अगर हमको छोड़ दिया जाए, हम जाके अपने मदरसे में पढ़ेंगे नमाज, तो अब नमाज की इजाज़त लेने के लिए मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं नमाज की इजाज़त किसने दी। बच्चों को लेकर जा रहे शख्स के पास पुलिस के सवालों का कोई जवाब नहीं था। बच्चों से पूछने पर भी कोई इस बारे में सही जानकारी नहीं दे पाया। इस दौरान शाम करीब 7 बजे जब नमाज का वक्त हुआ, तो मौलाना ने वेटिंग रूम में ही बच्चों को लेकर नमाज पढ़ी। आरोपी के अनुसार वो इन बच्चों को फतेहपुर के जामिया दारे अरकम मोहम्मदपुर गौती मदरसे में ले जा रहा था, लेकिन पुलिस को इस मामले में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शक है। 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें दिल्ली मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था। फिलहाल सभी बच्चों को बाल गृह भेज दिया गया है। परिजनों के आने पर बच्चों को उनके सुपुर्द किया जाएगा। पहले अवैध तरीके से बच्चों को लेकर जाना और फिर सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने के इस मामले में कई सवालों का जवाब मिलना बाकी है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।